नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया हालांकि फ्लाइटें बंद है, वीजा बंद है, लेकिन वहां फिर भी भैया अपडेट पे अपडेट निकालती जा रही है सऊदी अरबिया की सरकार। और हर बार कुछ न कुछ, मुझे नहीं लगता हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई अपडेट नहीं आते। जी हाँ, आज हम दो अपडेट से रिलेटेड बात करेंगे। पहला अपडेट हम बात करेंगे कि भाई सऊदी अरबिया में आपका पासपोर्ट रखने का जो अधिकार काफी टाइम से चला आ रहा था, उसके ऊपर सरकार ने क्या कानून बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, और वो पासपोर्ट आप कैसे कहाँ रख सकते हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे कि भाई सऊदी अरबिया में जो घरेलू नौकर का जॉब करते हैं या फिर ड्राइवर का जॉब करते हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। दो टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ, आपको पता होगा गल्फ कंट्रीज में लगभग कंट्रियों में ऐसा कानून बना हुआ है कि पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए, लेकिन नहीं जी, बता दूं 90% पासपोर्ट 90% पासपोर्ट कंपनियां रखती हैं, हेकड़ी से रखती हैं, ये सब आपको पता है। जब आपके घर में अगर मौत भी हो जाए ना, तो कंपनी एक महीने दो महीने बिठा के घर वाले भूल जाते हैं ना कि परिवार में मौत हुई है, तब उसके बाद आप घर पहुंचते हो। ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप सबको बताइए। लेकिन बता दूं 2021 में और 2030 तक के बीच में ये जो 10 साल का पीरियड है ना, ये सऊदी के लिए मान लीजिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। बहुत सारे नियम पूरे चेंज कर देगी, सेम टू सेम दुबई से भी अच्छे वाले नियम करने की कोशिश की जा रही है। अभी बता दूं सऊदी सरकार ने एक नियम और बनाया है कि भाई कंपनियां वर्करों के पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकती। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने स्तर पे पता कर लें, कोई ना कोई गाइडलाइन आपको जरूर मिल जाएगी जो सऊदी अरबिया ने आप लोगों के लिए वहां पे बनाई है। ठीक है, अभी जो वहां पे लोग बैठ काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, इंडिया से भी भाई आप जाओगे जब भी फ्लाइट ओपन हो जाएगी तो आपको जाना ही है। बहुत सारे वर्कर 25 लाख से ऊपर इंडियन लोग रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज मैं मान सकता हूँ। पहले कंपनी पासपोर्ट आपका रखती थी, आपको सबको पता ही है। अभी भी पासपोर्ट कौन सी कंडीशन में रख सकती है, जैसे आपका वीजा रिन्यू करवाना हो, वीजा स्टेपिंग करवाना हो, वीजा से रिलेटेड कोई भी काम अगर होता है तो कंपनी आपका पासपोर्ट ले सकती है। जैसे आपका काम पूरा हो आपको पासपोर्ट रिटर्न करना चाहिए। जी हाँ साथियों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब सरकार ने उसको, मैं बता दूं, एक गैर बोल सकते हैं इसको कानूनी में डाल दिया है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं गैर गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगर कंपनी आपका पासपोर्ट रखती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। वैसे भी कफाला सिस्टम बंद होने के बाद पासपोर्ट रखने का कंपनी का कोई औचित्य वैसे भी नहीं बनता है, तो आपको इसको बात को ध्यान में रखना चाहिए। पासपोर्ट आप अपने पास रखिए, जब आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाए तो पासपोर्ट आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट उनकी उनका नहीं है वो। अगर पासपोर्ट कोई कंपनी रखती है ना, तो ये तस्करी, मानव तस्करी का अपराध बन जाता है। एक तरह से दूसरे देश से हम उठा के किसी को लाए हैं, हम जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं, बदले में हम उसको पकड़ के रखे, उसके डॉक्यूमेंट जमा करके रखे, उसको जब्त करके रखे। एक तरह से इसको मानव श्रेणी, तस्करी की श्रेणी में इसको डाला गया है। जी हाँ, और आपको पता है सऊदीया में जो कानून बनते हैं ना, उसमें बड़ों बड़ों की पैंट गिल्ली हो जाती है, तो कंपनियों की कोई बड़ी औकात सरकार के सामने और कानून के सामने नहीं होनी चाहिए, आप सबको बताइए, आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि जो भी घरेलू ड्राइवर हैं या फिर जो घरेलू नौकर मान लीजिए, घरेलू जॉब जो काम करते हैं या ड्राइवरी से रिलेटेड हैं, उनका जो वीजा है बता दूं अब 14 महीने से रिन्यू होगा। जी हाँ साथियों, और जो मैंने एक बताया था ना कि एक वीडियो पहले भी डाला था कि अभी सरकार बोल रही है कि भी 6 महीने से आप वीजा रिन्यू करवा सकते हैं, 6 महीने से खामा रिन्यू होगा, लेकिन अभी इन दो कैटेगरी का वीजा मैं बता दूं 14 महीने से रिन्यू सरकार ने अभी ऑप्शन दिया है, 14 महीने के बाद रिन्यू होगा। तो बस ये दो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे ही वीजा ओपन हो जाए, टिकट ओपन हो जाए, तो आपको जाना है। जो वहां पर भी अभी भी बहुत सारे इंडियन लोग हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, उनके लिए जानकारी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।